नमस्कार दोस्तों, NR स्टडी में आपका स्वागत है। हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवी की बात कर रहे थे, तो जिसके अंदर हमने करणी माता के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और करणी माता चारणों की कुल देवी तथा बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी थी, ठीक है। इनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। चील इनका प्रतीक चिन्ह है और सफ़ेद चूहे होते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं, जिन्हें कावा कहा जाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं हम जीण माता की। सबसे लंबा गीत अगर किसी का है तो वो जीण माता का है, ये आप ध्यान रखें। मुख्य मंदिर इनका रेवासा सीकर के अंदर है, ठीक है। मुख्य मंदिर कहाँ है जीण माता का, तो रेवासा सीकर के अंदर पड़ता है। और इनके भाई हर्ष का मंदिर भी पास ही की हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। तो इनका भाई था हर्ष, उनका हर्ष जो कि हर्ष पर्वत का है, हर्ष पर्वत की जो पर्वत है यहीं पर है, रेवासा सीकर के अंदर ही जो जीण माता का मंदिर है, इन्हीं के पास इनके भाई का भी मंदिर है हर्ष पर्वत, है ना। चलेगा आगे बात करते हैं। जीण माता के मंदिर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के सामंत अट्टड़ मोहिल ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम इनके सामंत थे, कौन थे, अट्टड़ मोहिल, ठीक है। अट्टड़ मोहिल ने इनका निर्माण करवाया था, किसका, जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम, है ना, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के सामंत अट्टड़ मोहिल ने इनका निर्माण करवाया। चलेगा याद हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर चौहान राजा जीण माता के मंदिर का निर्माण करवा रहा है तो किसकी कुल देवी हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी कुल देवी, अरे भाई साहब चौहानों की कुल देवी हो जाएगी, है ना, चौहानों की इष्ट देवी हो जाएगी। चलेगा तो चौहानों की इष्ट देवी कौन हो जाएगी, जीण माता हो जाएगी। और जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देवी का लोकगीत सबसे लंबा है, तो आप ध्यान रखिएगा जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, ठीक है। चलेगा आगे बात करते हैं कि जीण माता की, जीण माता मधुमुखी की देवी कही जाती है, यानी मधुमुखी की देवी किसे कहा जाता है, ठीक है, मधुमुखी की देवी किसे कहा जाता है, तो जीण माता को मधुमुखी की देवी कहा जाता है। चलेगा आगे बात करते हैं। औरंगजेब ने माता जी का छत्र बनवा कर भेजा था, औरंगजेब उस समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने माता जी का छत्र बनवाकर भेजा था, कहाँ, रेवासा सीकर के। औरंगजेब इस मंदिर के दीपक का घी भी भेजा करता था, औरंगजेब जीण माता के मंदिर का जो दीपक जलता था उसका घी भी भेजा करता था। अभी भी केंद्र सरकार इसका घी बेचती है, यानी कह सकते हैं कि अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा रेवासा सीकर के अंदर जो जीण माता है वहाँ पर घी भेजा जाता है। चलेगा एक बार दोबारा पढ़ेंगे, उससे पहले आगे पढ़ लेते हैं एक और, केला देवी। तो केला माता या केला देवी की बात करें तो केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि केला देवी करौली जो कि चित्रकूट पहाड़ी पर इनका क्या बना हुआ है, एक भव्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है। करौली चित्रकूट पहाड़ी पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है और करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा जादौन राजवंश की कुल देवी कौन है, तो जादौन राजवंश की अगर कोई कुल देवी है तो कौन सी है, केला देवी है। जादौन एक ध्यान रखना, जादौन यानी हम कह सकते हैं कि यदुवंशी, ठीक है, यदुवंशी शासकों भी की कुल देवी भी केला देवी है, केला माता, ठीक है, केला देवी या केला माता एक ही है, ये ध्यान रखें। चित्रकूट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, जादौन राजवंश या हम कह सकते हैं यदुवंशी शासकों की कुल देवी है, कौन है आपकी, केला देवी, है ना, केला माता या केला देवी, ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्हें हनुमान जी की माता अंजनी तथा कृष्ण की बहन माना जाता है, हनुमान जी की माता अंजनी और कृष्ण की बहन माना जाता है, किनको, केला देवी। इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है और यहीं का लांगुरिया नृत्य भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है और यहीं पर लांगुरिया जो नृत्य है वो भी प्रसिद्ध है। आगे अगर बात करें तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका लक्खी मेला लगता है, तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि एकमात्र लक्खी मेला किस देवी के लिए लगता है, तो बिल्कुल केला देवी करौली के अंदर लगता है। इनको माता जी का सौम्य रूप माना जाता है और ये शक्ति का रूप नहीं, इसलिए केवल चैत्र में यानी नवरात्रा में ही मेला लगता है, यानी ये शक्ति का रूप नहीं है इसलिए केवल चैत्र यानी नवरात्र के अंदर ही इनका क्या लगता है, मेला लगता है। सबसे बड़ी बात आती है कि इनके मंदिर के सामने बोरा भक्त की छत्री है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि एकमात्र बोरा भगत की छत्री किस मंदिर के सामने है, तो केला देवी के मंदिर के सामने बोरा भगत की छत्री है जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, क्या किया जाता है, जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है,
बौरा भक्त की छतरी, छोटे बच्चों का इलाज, केला देवी के। चलेगा, तो आज हमने बात की केला देवी और जीर्ण माता की, तो एक बार छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। बिल्कुल आपको याद तो हो गया होगा, फिर भी चलेगा। तो मुख्य मंदिर कहाँ है जीर्ण माता का? तो रेवासा सिक्कर के अंदर मुख्य मंदिर है, और इनके भाई हर्ष थे जिनका मंदिर भी सिक्कर के अंदर है। और जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया था। इनके सामंत थे हट्टड़ मोहिल, तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया, ठीक है। और चौहानों की इष्ट देवी कही जाती है, कुल देवी भी कह सकते हैं। और जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत, ये पूछा जाता है कई काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखता है कि किस देवी का सबसे लंबा गीत गाया जाता है, तो जीर्ण माता का सबसे लंबा गीत है। किस माता का है? तो जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, और जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और औरंगजेब ने माता जी का छत्र बनवाकर भेजा था। कहाँ भेजा था? औरंगजेब ने माता जी का छत्र बनवाकर कहाँ भेजा था? रेवासा सिक्कर के अंदर ही भेजेंगे, चलेगा। और औरंगजेब इस मंदिर में घी भी भेजता है, और केंद्र सरकार अभी भी घी भेजती है दीपक के लिए, है ना, चलेगा। तो बाद में हमने बात की थी, बाद में हमने केला देवी की बात की थी, यानी केला देवी या केला माता, जो कि करौली की है। और करौली के अंदर चित्रकूट पहाड़ी पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। वो जादौन या यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, और हनुमान जी की माता अंजनी कही जाती थी, या कृष्ण के समान इनको, कृष्ण की बहन के समान इनको माना जाता था। और भक्तों को लांगुरिया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का लांगुरिया नृत्य फेमस है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर लक्की मेला लगता है, और उस मेले को लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इनको माता जी का सौम्य रूप माना जाता है, ये भक्ति का रूप नहीं है या शक्ति का रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल चैत्र यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी चैत्र माह को ही यहाँ पर नवरात्र का मेला लगता है। और इसी मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है, जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और छोटा सा निवेदन है, बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको वाकई में समझ में आया है तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।